इसलिए चलता है बहुत पढ़ोगे अजित कुमार है, मैं जेएनयू से एमफिल कर रहा हूँ और आज मैं यहाँ गैलरी में काम देखने आया था। बहुत अच्छा लगा इनका काम देख के। मुझे इनके काम में जिस तरह से जक्शन पुलक अपने कलर रंगों के साथ काम करते थे, जहाँ एक मूवमेंट फ्रीडम है जो कि सर्लिज्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जहाँ की माइंड एक अनकॉन्सियस में जाके काम करता, उसके साथ मैं रिलेट करता हूँ उनके काम को। मतलब जिस तरह से इसमें लेयर्स हैं, फॉर्म्स हैं, कलर और फॉर्म का लेयर्स है, जैसे हम देखते हैं कि एक कलर का लेयर ब्लू है, उसके बाद फिर ग्रीन है, फिर उसके बाद यहाँ पर डार्क ग्रीन है, रेड का फॉर्म आ रहा है। ये माइंड के डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं जो मैच करते हैं, ब्लॉक्स बोला गया ब्लॉक का मतलब कि वो स्ट्रैक घुस जाता है, मतलब अलग अलग कलर का जो प्रभाव है, जो कि अगर हम देखें आज जिस तरह से वर्ल्ड क्राइसिस के साथ जो वो ग्राम डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं और हम कन्फ्यूज है जिससे रहें, उसके साथ कहीं जुड़ता हुआ मुझे दिखता है। मनुष्य लोग कन्फ्यूज हैं, वही दूसरी तरफ अगर मैं इसको देखूँ तो एक जो नॉर्मल आदमी है वो एक लैंडस्केप की तरह इसको ट्रीट कर सकता है, जहाँ पर एक बहता हुआ नदी भी है, उसे मछलियाँ कूद रही है, वो ट्रीट कर सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्लू का जो है उसके बारे में ब्लू मैं इसे रीड कर रहा हूँ, आर्ट हिस्टोरियन से लगता है ब्लू एक बहुत ही कलर के फॉर्म है, जहाँ हम इसको समुद्र के डेप्थ मिक्स के साथ भी जोड़ते हैं, मतलब स्काई स्काई जो कलर है उसके डेप्थ, इस मेंटल जो डेप्थनेस माइंड, अगर मैं आँख बंद करूँ तो हम बोलते हैं ब्लैक देखते हैं, लेकिन रियली वो ब्लैक नहीं है, वो डीप ब्लू है जहाँ पर हम फ्लो कर, जैसे हम ब्लू बोलता है, ब्लू बोलते ही मेरे माइंड में जो आता है नदी का फ्लो करना, माइंड थॉट का फ्लो करना, जैसे हम अगर वही माइंड थॉट्स बोला तो सबसे स्पीड से जो फ्लो करता है मन, जो है सबसे तेजी से फ्लो करता है, उसी हिसाब से आप देख सकते हो। उसी में जो बोल रहा था कि जो साइड है उसको साइड है, अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा तो उस फॉर्म में लिफाफे के अंदर रैप होने जैसे ब्लू के अंदर खुद में घुस जाता है, उस सेंस से काफ़ी इंटरेस्टिंग काम। अगर इंग्लिश गुड इन द सेंस ऑफ हाउ ही इज बोरिंग फ्रॉम द डिफरेंट पीरियड ऑफ आर्टिस्ट, आई वुड लाइक टू मेंशन सम आर्टिस्ट फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट पीरियड, everyone knows that Jackson Pollock, when his work, the movement of the body and the consciousness also get reflected in this work, which it find the relevant in these forms of objects. So I think, yeah, it's really nice for this context. Also, it's I am reading on the way of on the view of political history, which the world is going on, the different crises the Syria is facing, and also the power is shifting from America to China, the world superpower. So I think the people are now confused where the imperial, the power, superpower country, imperial is speaking in different language and the people understand different languages. Very crisis situation for us. But in other sense, artists also read these things as a flow of river, where fishes are jumping and flowing against the way of the river and things. And when he asked the question of the color of blue, when I find that it's not only the color is blue, it's the color of mind, where we read mind which runs very fast. And he can go, mind can traverse anywhere. So I think, yeah, the work of art really, in some sense, very beautiful. Yes, thanks. Congratulations.
I would, they're very expensive, but they are people, we travel, that's the job, we have to put everything on our back.